हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ शो सेक्स एजुकेशन के सीजन 1 और सीजन 2 के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास बात है इन दोनों के दोनों सीजन्स में, जिस वजह से आपको ये सेक्स एजुकेशन के दोनों ही सीजन देखने चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस शो के दोनों सीजन्स नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, और अगर हिंदी डब की बात करें तो इस शो की हिंदी डब काफी ज्यादा बोल्ड रखी गई है, जिनसे ये शो हमें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और इसके अलावा दोनों ही सीजन्स में 8 एपिसोड्स देखने मिलते हैं, जो लगभग 1 घंटे के है। यानी देखा जाए तो सेक्स एजुकेशन के पूरे सीजन 1 और सीजन 2 को कम्प्लीट करने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम देना होगा, जो मेरे हिसाब से 100% सही होगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने सीजन 1 और सीजन 2 का रिव्यू एक ही वीडियो में क्यों किया है, तो उसका रीजन है इसकी कंटिन्यूएशन, जो एक साल के बाद भी हमें यह एहसास बिल्कुल भी नहीं होने देती कि दोनों ही सीजन्स को एक साथ शूट कर रखा गया था या फिर अलग अलग साल के गैप में इन दोनों ही सीजन्स को बनाया गया है। क्योंकि कंटिन्यूएशन, जैसे कि मैंने कहा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है शो की, जो आपको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। लेकिन जिस टाइप का कल्चर हमें इस पूरे के पूरे शो में दिखाया गया है, उसे मैं कड़े तौर पर यही कहूंगा कि ये कल्चर हम इंडियंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिसे हम सीधे तौर पर घटिया ही कहेंगे। लेकिन अगर आप इसे एक अच्छी नजर और साफ दिमाग से देखोगे, ये निकाल कर कि इस शो में आपको पहला टाइटल सेक्स का मिल रहा है, तो शो में भी आपको देखने के लिए यही सारी चीजें मिलेगी। बट ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, इस शो में हमें कुछ न्यूड सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसके कारण से ये शो बच्चों के लिए तो नहीं बनता। बट उन सब से हटकर इस शो में जिन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, वो है इसकी स्टोरी और शो में दिखाए गए कैरेक्टर्स की डिटेल्स, जो इस शो को एक वर्थ वॉच शो बनाती है। जी हाँ, अगर प्लॉट वाइज बात करूं तो ये शो प्लॉट के हिसाब से इतना ज्यादा बेस्ट है कि आपको भी कभी कभी यही लगने लगता है कि आप भी इस टाइप की स्कूल और इस दुनिया में पूरी तरीके से खो जाए। और अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो आप ये नहीं जज कर पाओगे कि आपको इस शो में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है और किस एक्टर की परफॉर्मेंस आपको इस शो में पसंद आएगी, क्योंकि सभी का काम इस शो में माइंड ब्लोइंग था। इतना ज्यादा बेस्ट कि आपको हर एक कैरेक्टर से प्यार होने लगता है, यहाँ तक कि सीजन 2 में दिखाए गए नए कैरेक्टर से भी, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि कास्टिंग डिपार्टमेंट और सेक्स एजुकेशन की पूरी टीम की तरफ से कैरेक्टर डेवलपमेंट पर बहुत बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। यानी अगर वो लोग किसी मुसीबत में फंसे हैं तो आपको उनकी मुसीबत फील होती है, और अगर वो लोग किसी दुख में हैं तो उनका दुख भी आपको अपना दुख लगता है, और उनके मजे ऑब्वियसली हमें भी अच्छा ही फील करवाते हैं। तो ये बात इस शो के लिए काफी ज्यादा अच्छी है। और अब बात करें इस शो के डायरेक्शन की, तो जी हाँ, इस शो का डायरेक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा BGM और एडिटिंग की भी बात करें तो उन सब में भी ये शो आपका दिल जीत लेगा, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की स्टोरी हमें पूरी अलग कर दिखाई गई है, ताकि हम उन कैरेक्टर्स को काफी अच्छी तरीके से समझ सके। और अब इस शो के प्लॉट की बात करें तो इस शो का प्लॉट ओटस और मार्विन के कैरेक्टर पर फोकस करता है, जहां पर ओटस को सेक्स की अच्छी खासी नॉलेज है, और उसे ये नॉलेज उसकी मॉम जीन से मिली है, जो कि एक सेक्स थेरेपिस्ट है। और ओटस की जिंदगी में उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड एरिक है, जो कि एक गे है, और दोनों ही स्कूल के लूजर्स हैं, जिन्हें बाकी दूसरे किसी से भी कोई मतलब नहीं। और वहीं स्कूल में हमें मेक का कैरेक्टर भी दिखाया जाता है, जो देखने में ही थोड़ी अजीब सी रहती है। इसके बाद ओटस के लिए परेशानी तब शुरू होती है जब मेक को ये पता चलता है कि ओटस के पास सेक्स की अच्छी खासी नॉलेज है, जिन्हें वो स्कूल में काफी अच्छी तरीके से यूज करके उससे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि स्कूल में सेक्स को लेकर टीनएजर्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स है, जो वो खुलकर किसी के भी सामने डिस्कस नहीं करते। और अब इन सब से ओटस और मेव पर किस तरीके की मुसीबत आएगी, वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका सीजन 1। और अब सीजन 2 के प्लॉट की बात करें तो सीजन 2 का प्लॉट सीजन 1 की कहानी से ही कंटिन्यू होता है, जहां पर स्कूल में क्लमेरिया के इन्फेक्शन की बात फैल गई है, और स्टूडेंट से लेकर प्रिंसिपल तक इस इन्फेक्शन से पूरी तरीके से परेशान है, इसका हल किस तरीके से निकाला जाए। जिसके बाद स्कूल की तरफ से मदद करने के लिए ओटस की मॉम जेन का नाम आगे आता है, जो यहां पर बच्चों को सेक्स की एजुकेशन देगी, यानी वो स्कूल में सेक्स एजुकेशन की काउंसलर है। तो अब इन सब से उन बच्चों और ओटस की लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका सीजन 2, क्योंकि सीजन 2 सीजन 1 के मुकाबले में लाख गुना अच्छा है। क्योंकि इसके सीजन 2 में हमें स्कूल, सेक्स और दोस्ती से हटकर परिवार और हरेस जैसे टॉपिक पर भी बात होती हुई नजर आती है, जिन्हें काफी अच्छी तरीके से हमें इसके सीजन 2 में समझाया गया है। और अब आ जाए शो की रेटिंग पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ एक्शन और हॉरर की, जी नहीं, ये दोनों ही चीजें शो से पूरी तरीके से मिसिंग है, जिसके चलते ये रेटिंग 5 में से 0 स्टार की होगी। और इसके अलावा बात करें शो की कॉमेडी की, तो कॉमेडी को मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार, क्योंकि शो की कॉमेडी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा ड्रामा पर आ जाए तो ड्रामा को मैं 5 में से 4.5 स्टार दूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, शो के प्लॉट और कैरेक्टर्स पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। और अब बात करें सस्पेंस की, तो सीजन 1 में हमें इतना बड़ा सस्पेंस तो दिखाया नहीं गया, लेकिन सीजन 2 में हमें कंफ्यूज कर छोड़ दिया गया है, और इस टाइप का ट्विस्ट मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी सोचा होगा, जिसके चलते सस्पेंस को मैं 5 में से 2.5 स्टार दूंगा। और अब बात करें मासस ऑडियंस की, जी हाँ, ये शो मासस ऑडियंस को पसंद आएगा, और उनकी नजर में
शो की रेटिंग A- की होगी। और बात करें क्रिटिक्स और मेरी, तो हम दोनों की ही राय में इस शो की रेटिंग होगी सीधे सीधे A की, क्योंकि शो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और इसके अलावा अगर इसके माइनर पॉइंट की बात करें, तो मेरे हिसाब से इस शो की लेंथ थोड़ी सी कम होती तो इस शो को देखने में और भी ज्यादा मजा आता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शो इसकी लेंथ की वजह से देखा नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे कि मैंने कहा, ये शो एक मस्ट वॉच है और ये मेरी राय है। तो अब आपकी क्या राय है सेक्स एजुकेशन के season 1 और season 2 को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथों इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।